तो हेलन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी और एमआईसीएम जैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा कंपाउंड पेंडुलम है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स एट ठाकुर सर एकेडमी, डाउनलोड द ऐप प्ले स्टोर एंड फॉलोइंग कोर्सेज अवेलेबल फॉर क्लास 11 12 बीएससी। कोर्सेज आर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्मेट, लाइव कोर्स, ऑर्डर कोर्स, डेमो क्लास आल्सो, पीडीएफ आल्सो। फॉर फर्दर इंक्वायरी यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 91, कॉल ऑन दिस। तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंपाउंड पेंडुलम एट द सेंटर interchangeable, find the condition for maxima and minima time period of the pendulum and how do you compound pendulum question up clear hai। to question ka pehla part kya hai, question ka pehla part ye hai ki aapko ye batana hai ki how a compound pendulum works ya yeah, what is the working method of compound pendulum ye aapko pehle bata। to compound pendulum ko discuss karne se pehle thoda sa hum concept jaan lete hain, simple harmonic motion basics। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड है वो इस तरह से है। ठीक, कॉन्सेप्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो इस तरह से है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, होता क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लुक, सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, और ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास क्लियर है, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या, एक पेंडुलम है और पेंडुलम को थोड़ा सा जस्ट स्लाइड कर दीजिए, डिस्प्लेस कर दीजिए, और फिर इसको राइट में डिस्प्लेस पर छोड़ दीजिए इसको। अल्टीमेटली क्या होगा, पेंडुलम इस पॉइंट के अबाउट मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही आप ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लीजिए और ब्लॉक को हल्का सा पुश, स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस कीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लॉक जो है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करने लगे। ये जो पॉइंट आपको बीच का दिख रहा है इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है, या इसको कॉमन पॉइंट बोलेंगे, या कॉमन ओरिजिन जिसके अबाउट मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आपको बोलना क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक। जब इसको आप छोड़ दोगे तो इसको छोड़ने के केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट जीरो है, ठीक है, तो ये पॉइंट जीरो है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका जीरो है, क्लियर है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब पार्टिकल यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू एल होगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इंटरेक्शन तब होगा जब पार्टिकल इस ये क्या आ रहा समझ में। सिमिलरली इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम मान लेते हैं ओरिजिन, पॉइंट क्या है आपका एक्स इक्वल टू जीरो, पॉइंट क्या है एक्स इक्वल टू एल है, और ये पॉइंट क्या है आपका एक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है इस तरह का मोशन जिसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर पार्टिकल का मोशन एक पॉइंट के टू हो, ठीक है, आगे और पीछे हो, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। क्लियर है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने का एक कॉमन कंडीशन होता है, वो कॉमन कंडीशन जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल जा रहा है राइट की तरफ, इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यदि ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर फोर्स ज़्यादा लगाया गया होगा, ठीक है। तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और फोर्स का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, पहला कंडीशन है हार्मोनिक मोशन। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये पहला कंडीशन है। अब क्लियर है, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो यहाँ जब पार्टिकल डिस्प्लेस इधर हो रहा है, ठीक है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो ये होगी, ठीक है, कि पार्टिकल को वापस ये ओरिजिन पर लेकर आएगा। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन,
ये भी क्या है आपका अपोजिट है, ठीक है। ये हुआ कि ए एंड एक्स बोथ आर एंटी पैरेलल, ठीक है, बोथ आर एंटी पैरेलल, क्या होगा ए इक्वल टू हो जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। और ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है, तो माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल टू इच, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये दोनों केस में होगा। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दो एप्लीकेशन पार्ट है जो आपके सिलेबस में है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है कंपाउंड पेंडुलम, दोनों को आपको डिस्कस करना है। तो दो एप्लीकेशन पार्ट है जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, और सेकंड जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज कंपाउंड सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ। मान लीजिए एक सीलिंग है, छत है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक बॉब अटैच है, ठीक है, आपने क्या किया बॉब को हल्का डिस्प्लेस छोड़ दिया, बॉब क्या करेगा इस पॉइंट के सराउंडिंग में मूव करेगा, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में आप देख रहे हो कि यदि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये मान लीजिए कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट पॉइंट मान लीजिए सी डैश है और ये डबल डैश है, क्लियर है। अल्टीमेटली ऑसिलेशन जो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, और जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस इधर हो रहा है, ठीक है, तो इसके होगा इसके जाएगा पीछे की तरफ, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन और फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। मतलब मान लो पार्टिकल जब इधर जा रहा है, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। कहाँ पे काम कर रहा है, वो आपका सेंटर के तरफ काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट, फोर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपस में अपोजिट होगा, क्लियर है। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉब और स्ट्रिंग है, अब हम क्या करेंगे स्ट्रिंग और बॉब को हटा देंगे, ठीक है, और इसके जगह पर हम क्या करेंगे एक रिजिड बॉडी को ले, हमने क्या किया हमने लाया एक रिजिड बॉडी को, एक रिजिड बॉडी है, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ से हमने क्या किया यहाँ से हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ से इसको हमने हैंग कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, तो जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी आई की तरफ जाएगा, तो ये बॉडी मान लीजिए आई की तरफ चला गया, बड़ा समझ में। और फिर हम क्या करेंगे जब इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बॉडी क्या बॉडी वापस यहाँ पे आएगा और फिर ये वापस इधर चला जाएगा, बॉडी फिर वापस क्या होगा वापस फिर यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जब बॉडी इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर है, तो मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जब बॉडी यहाँ चला गया तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हुआ यहाँ पे चला गया, और जब बॉडी वापस यहाँ आया तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपका यहाँ पे चला। इस केस में आप ये देख रहे हो कि पार्टिकल का जो मोशन वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जैसे ही बॉडी इस तरफ जाता है, ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस तरफ हो रहा है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा बॉडी को वापस इस पॉइंट पर लाने की कोशिश, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और बोथ आर क्या कहते हैं एंटी पैरेलल टू इच अदर, ठीक है। बोथ द केसेस फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, एंड बोथ आर अपोजिट टू इच, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये रिजिड बॉडी क्या होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी कितना डिस्प्लेस होगा ये डिपेंड करता है कितना फोर्स लगाया गया, ठीक है, जितने फोर्स रिजिड बॉडी आगे जा रहा है उतने ही अमाउंट का रीस्टोरिंग फोर्स वापस इस पर लगता है, क्लियर है। बोथ द केसेस, दोनों केस में क्या हो रहा है देखो भैया, दोनों केस में क्या है कि प्रोपोर्शनल टू अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डिंग
इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, देयर फॉर एक्सप्रेशन बराबर क्या होगा बताइए, स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू देयर है। और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। अगला क्या है, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम पीरियड टी बराबर होता है टू पाई बाई ओमेगा, जहाँ ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी याद रखना है। और सेकंड फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, वो याद ध्यान रखना है, ए प्रोपोर्शनल एक्स दैट इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा। फार्मूला आपको दिमाग में भाई समझ आ रहा है, चलिए देखिए। अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने की कोशिश, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कर रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम हम टाइम पीरियड निकालने की, देखिए भाई एक सीलिंग है, छत है, यहाँ से एक बॉडी अटैच है, ये एक बॉब है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिया, इधर छोड़ देंगे। जब इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये स्विच करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग में, ठीक, यानी कि ये वापस क्या होगा, वापस यहाँ पे आएगा और फिर ये वापस यहाँ पे चला, वापस यहाँ पे चला जाएगा। अरे समझ में, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पर्टिकुलर जो बॉब है, ठीक है, ये जो बॉब है, बॉब का जो मोशन है इस पॉइंट के सराउंडिंग हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग हो रहा है। और जब ये बॉब यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, इस केस में देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है, और ये किसका डायरेक्शन है, ये स्टोरिंग डायरेक्शन है, ठीक है, तो फोर्स वापस इस ओरिजिन पे लाने की कोशिश कर, क्लियर है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि जब पार्टिकल जब इधर जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, पर्टिकुलर जो रीस्टोरिंग वापस यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है, इस केस में यदि बॉब का मास एम, बॉब को हम अलग से बना, बॉब है, क्लियर है भाई, बॉब है, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स है, कौन सा फोर्स है आपका, एम एम जी फोर्स, एम जी फोर्स, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, तो जब थीटा हो जाएगा तो ये फोर्स होगा, क्लियर है, जब ये फोर्स एम जी कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। देखिए लेट एम एक मास ऑफ बॉब, एल क्या है, एल है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल इक्वल लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देयर है, ठीक है। सडनली क्या हुआ कि हमने हल्का सा पुश किया पार्टिकल को, ठीक है, तो जब पार्टिकल को हल्का सा पुश किया, ठीक है, तो पार्टिकल फॉर्म एंगल थीटा, एंगल थीटा, एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ सी therefore from Newton's second law of motion, second law ये कहता है कि force equal to क्या होता है, mass into x, कहता है ना, second law ये कहता है equal to
इक्वल टू मास इनटू कहता है। देखो भैया यहाँ पे फोर्स कितना, यहाँ पे फोर्स कितना, यहाँ पे दो तरह का फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है तीन तरह का फोर्स काम, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है एम जी कॉस थीटा, एक फोर्स काम कर रहा है एम जी साइन थीटा, एक फोर्स काम कर रहा है टेंशन, ठीक। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने में कौन से फोर्स का क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग में हो रहा है। बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा इसका राइट की तरफ, ठीक है, इधर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वही फोर्स क्या करेगा, वही फोर्स होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। आ रहा समझ में? देखिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना आपका एम जी साइन थीटा है, ठीक है, एम जी साइन थीटा है। आप लिख सकते हो कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत, देखिए यहाँ यदि हम साइन कन्वेंशन को यूज करें यहाँ पे, तो आप जानते हो, ठीक है, कि ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, और एम जी साइन थीटा कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे लग रहा है एम जी साइन थीटा। ये साइड क्या होता है, निगेटिव साइड होता है, साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन थीटा कैसा फोर्स है, निगेटिव फोर्स है, ठीक है। ये हुआ माइनस एम जी साइन थीटा हो गया एम एम, बताओ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा माइनस जी साइन थीटा, ए बराबर होगा माइनस जी, यहाँ पे नोटिस। ये जो आपको साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए जो है आप देखिए यहाँ पे जो एक्स है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एल क्या होगा, एल एल क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, एल आपका हाइपोटेनस होगा। देखो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मान लो ये कर्व है तुम्हारा, ठीक है, ये कर्व है, तो ये डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, रेडियल है, और ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंशियल है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो ये एंगल तुम्हारा हो गया 90 डिग्री, क्लियर है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, क्लियर है, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई एल, साइन थीटा हो गया तुम्हारा एक्स बाई एल, ये हो गया माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू माइनस बाई एल इंटू। यहाँ पे एक चीज़ और आपको लिखना है, ठीक है, कि एल काफ़ी स्मॉल होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नियरली थीटा होगी, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, थीटा वहाँ पे बहुत कम उसका वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री इतना, ठीक है, तो थीटा काफ़ी स्मॉल है। साइन थीटा इक्वल टू हमने निकाला एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इक्वल टू इतना हो गया। देखो अल्सो जानते हो कि ए बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यदि ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो दोनों कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बाई एल, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर है बाई एल। यदि ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी, एल, देयर फॉर टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2π/ω, क्या होता है 2π/ω, ठीक है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है रूट जी बाई एल, ठीक है, तो 1/ω कितना होगा, रूट एल बाई जी होगा, ठीक है, रूट एल बाई जी, तो कितना हो गया 2π√L, रूट ये होता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। देखो ये आंसर आ गया सिंपल पेंडुलम के लिए, आंसर आ गया। नाउ व्हाट अबाउट कंपाउंड पेंडुलम, व्हाट अबाउट कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम में क्या करोगे, कंपाउंड पेंडुलम, अब हमने क्या करना है कि एक रिजिड बॉडी लेना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी ले लिया, एक रिजिड बॉडी ले लिया, थोड़ा समझ में, डायग्राम दोबारा रिप्लॉट करता हूँ, दोबारा मैं इसको प्लॉट करता हूँ, मान लीजिए कि एक रिजिड,
एक रिजिड बॉडी है, क्लियर है। इस रिजिड बॉडी में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्लियर है, और ये नीचे वाला पॉइंट है, क्लियर है, ये नीचे वाला पॉइंट है। आपने देखा था कि जब पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, पार्टिकल जब आगे की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, और जब पार्टिकल पीछे आएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के टू एंड फ्रो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, क्लियर है। तो हमने मान लिया कि लेट एम बी द मास ऑफ रिजिड बॉडी, एम बी द मास ऑफ एम क्या है, रिजिड बॉडी का मास है, ठीक है, मास है। हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, हमने मान लिया एल, एल क्लियर है, ये डिस्टेंस एल। तो जब ये पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, मतलब पार्टिकल जो है, ठीक है, अब L, ठीक है, पार्टिकल डिस्प्लेस क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, बट ये पॉइंट अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यदि ये एंगल थीटा है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, बस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये मतलब क्या रेडियली है, ये रेडियली है, और ये क्या है, टेंजेंशियली है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये एंगल तुम्हारा है 90 डिग्री, क्लियर है। तो 90 के सामने ये वाला जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट तुम्हारा हो जाएगा, यदि इस पार्ट को कुछ देख लिया, मान लेते हैं कुछ भी, मान लो इसको मान लो एक्स, मान लो एक्स, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा, ठीक है, थीटा बराबर होगा, थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, एक मिनट ठहर जाओ, ठीक है, देखो ये गलती क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या हुआ कि रिजिड बॉडी का ये पॉइंट अब यहाँ पे चला गया, तो ये पॉइंट अब यहाँ पे चला गया, जब ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्लियर है, एम जी फोर्स लग रहा है, एम जी का जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर पार्ट होगा, ये पार्ट होगा पार्ट, क्लियर है, दिस पार्ट। अब यहाँ नोटिस करो, इस देखो यहाँ पे एंड डाउट है, यू आस्क, आस्क क्या हो रहा है कि यहाँ पे लग रहा है एम जी, क्लियर है, जी फोर्स, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट, तो ये पार्ट कितना है, ये पार्ट आपका है एल, ये पार्ट कितना है एल, क्लियर है, ये पार्ट आपका एल है, और ये एंगल है थीटा, एंगल कितना थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये होगा एल साइन थीटा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा एल साइन थीटा, है पार्ट होगा, होगा ना एल साइन थीटा कि नहीं होगा, तो ये एल साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, टॉर्क होगा माइनस एल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, कितना होता है आई अल्फा, आई अल्फा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हो कि फोर्स इक्वल टू एम, रिजिड बॉडी डायनामिक्स में क्या होता है कि फोर्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है वो टॉर्क है, मोमेंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, सॉरी मास का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, और लीनियर एक्सेलरेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, यहाँ पे आई क्या है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा, ठीक है, आई अल्फा होता है, और ये एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक है, एम जी एल साइन थीटा है, और टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा होता है, ठीक है, आई अल्फा। जब दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम बराबर कर देंगे, देयरफॉर माइनस एल साइन थीटा बराबर कितना है, बराबर है आई अल्फा, बराबर कितना है आई अल्फा, आई अल्फा बराबर है आई अल्फा,
बराबर है आई अल्फा, ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा हो जाएगा एम एल आई आई टू साइन थीटा, टू साइन थीटा, और फॉर ए स्मॉल थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो आप लिख सकते हो माइनस एम जी एल वाई आई थीटा वाई, और ए स्मॉल थीटा साइन थीटा क्या है, नियरली थीटा, ठीक है, नियरली थीटा के बराबर है, कह रहा है देखो वी हैव अल्फा इक्वल टू माइनस एम एल बाई आई इंटू थीटा, ये है, वी हैव अल्फा इक्वल टू, वी हैव अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई आई, जब इक्वेशन फर्स्ट मान ले, बट आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर, तो एक्सेलरेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होता है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, थीटा हो गया, बराबर कितना माइनस ओमेगा, मतलब ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर, ठीक है, दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्लियर है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, इन सॉरी फॉर रिजिड बॉडी डायनामिक्स दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, लुक बट अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो इफ यू विल कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब कंपेयर आप करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एम एल बाई आई, तो यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा, यहां से ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट एम एल बाई आई, देयर फॉर टाइम पीरियड टी कितना होगा बताओ, तो टाइम पीरियड टी होगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्लियर है, दैट इज 1 बाई ओमेगा कितना होगा बाई रूट आई बाई एम जी, तो दोबारा इसको हम लोग फास्टली रिकैप कर लेते हैं, कंपाउंड पेंडुलम को बताई थी हम लोग फास्टली, इसको देखिए हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड पेंडुलम ले लिया, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम में क्या है कि जो पार्ट है इस पार्ट का लेंथ एल है, ठीक है, जब ये पार्ट यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो पार्ट यदि आप एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा के परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है, टॉर्क का डेफिनेशन, ठीक है, देखिए टॉर्क इक्वल टू हमने लिखा क्या कहते हैं, फोर्स कितना, फोर्स आपका एम जी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क हो गया एम जी एल साइन थीटा, ये क्लियर है, एम जी एल साइन थीटा, और एल साइन थीटा हमने इधर लिया निगेटिव जो कि सेंटर की तरफ है, ठीक है, थीटा जो है थीटा दिखा रहा है कि डिक्रीजिंग थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब ये हुआ कि एंगल डिक्रीज हो रहा है, मान लो जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, वापस यहाँ लौटने की, तो बॉडी की टेंडेंसी वापस यहाँ लौटने की होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, थीटा घटेगा, ओके, तो ये थीटा नेगेटिव थीटा का मतलब ये है कि थीटा घट रहा है, ठीक है, अब आप जानते हो कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ठीक है, ये कैसे होगा, मैंने बताया था कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, टॉर्क है, मास का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, आई है, ए का अल्फा है, ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा बराबर आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कितना होगा, माइनस एम जी एल बाई आई इंटू साइन थीटा, और फॉर ए स्मॉल थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा माइनस एम जी एल बाई आई इंटू थीटा। अब आप जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, दोनों को आप कंपेयर करें, कंपेयर करने पे ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट एम जी एल बाई आई होगा, तो टी कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और नया नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप लोग तत्काल फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।